नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में 29 अगस्त को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी चौमू दौरे पर है। सामोद में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ी, कई लोग आपस में उलझ पड़े। पंचायत चुनाव को लेकर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी चौमू में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। गोविंदगढ़ में मलिकपुर के पास एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, मृतका की पहचान प्रेम देवी के रूप में हुई है। जयपुर की शाहपुरा पंचायत समिति के प्रथम चरण में हुए पंचायत चुनाव में शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल ने वोट डाला। सूरतगढ़ थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सरदारपुरा खड़ता के ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सब्जी विक्रेता को मुख्य बाजार की सड़क से रेहड़ियां हटाने के निर्देश दिए हैं। घटिया पेस्टिसाइड स्प्रे से खराब हुई नरमी की फसल, किसानों ने दुकान संचालक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसीबी और डीवाईएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने व्यापार मंडल में आमजन को रिश्वतखोरी के प्रति निडर होकर शिकायत करने की अपील की है। जैतसर पुलिस ने चक महाराज का के पास दो युवकों को 20 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। गोयला में प्रशासन गांव संघ के प्री कैंप में शिविर के पूर्व तैयारी की गई, शिविर प्रभारी संजय तोशनीवाल मौजूद रहे। सरवाड़ के पूर्व चेयरमैन शंकर सिंह राठौड़ और पार्षद ओमा मालाकार सहित अन्य लोगों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात कर विकास कार्यों पर चर्चा की। जवाजा सरपंच संघ ने 15 सूत्री मांगों को लेकर अजमेर कलेक्टर से मुलाकात की, मांगे नहीं मानने पर प्रशासन गांव के संघ कैंप का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। जवाजा पंचायत समिति के प्रधान गणपत सिंह रावत क्षेत्र में खुशहाली और अच्छी बारिश की मनोकामनाओं के लिए पैदल यात्रा निकाले। पीएचसी राज्यवास में 18 साल से अधिक आयु के ग्रामीणों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में डीएसपी संदीप सिंह के सरकारी आवास की गिराव गिर गई, डीएसपी ने 7 दिन पहले ही इस घर को खाली किया था। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर चोर मिथुन मैडा को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के कोपड़ा गांव में ग्रामीणों का हंगामा, पट्टों के संबंध में आरोप लगाए हैं। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंद्रमणि पार्क में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा आयोजित सद्भावना सप्ताह के समापन समारोह में विजेताओं का सम्मान किया गया। वहीं खेतों में बरसात की कमी से फसलें सूखने के कगार पर हैं, अकाल की आहट से किसान चिंतित हैं। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में जिला जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन हुआ है। जिला परिषद सभागार में सांसद राहुल कस्वां और जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। जनपद के प्रसिद्ध साहित्यकार भंवर सिंह सामौर को साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने उनके कृति संस्कृति री सनातन दीप के लिए पुरस्कृत किया है। नागौर जिले की भवात गांव में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, इस दौरान महिलाओं और श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली। नागौर जिले के रियाबड़ी बस स्टेशन के पास केसरिया कंवर जी महाराज के चौक में सर्व हिंदू समाज द्वारा तेजवा गायन का आयोजन किया गया। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के ग्राम जसनगर में कृषि पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारी का विदाई समारोह आयोजित हुआ। नागौर जिले के बरबत्सर नगर पालिका कार्यालय में एसडीएम शिपाल जाट की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का संबंध में बैठक का आयोजन हुआ। नागौर जिले के बरबत्सर उपखंड के राबड़ियाद गांव के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह द्वारा एक कमरा बनाने की घोषणा की गई। इधर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के योगेश का काबुल से इंडिया लौटने पर परिजनों ने स्वागत किया है। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में दुकानदार के गल्ले से 10,300 रुपए चोरी, व्यापारियों ने थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीकर जिले के फतेहपुर में महिला को झांसा देकर सोने की चेन ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीकर के फतेहपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। दौसा के लालसोट में एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने के मामले में पुलिस ने कार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले के पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दौसा जिले में पंचायत चुनाव के द्वितीय और तृतीय चरण के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। दौसा के डेटा उप स्वास्थ्य केंद्र की खिड़की असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सारथल के पास परवन नदी में मिला जयपुर निवासी युवक का शव, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। हथियारे बांध में घटिया निर्माण को लेकर किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने जल संसाधन विभाग को ज्ञापन सौंपा है, कार्य में सुधार करने की मांग की है। मांगरोल में छात्राओं की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली, इसके साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
बारां जिले के कोटड़ी गांव में युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, वहीं 3,70,000 की राशि भी छीन ली। बारां जिले में बरसात के दौरान भेड़ बकरी की मौत को लेकर पशुपालकों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, मुआवजे की मांग की है। डूंगरपुर जिले के कुआं में थानाधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा की है। डूंगरपुर जिले के चीखली कस्बे से यादव समाज का एक जत्था हर साल की भांति इस बार भी गुजरात के अंबाजी के लिए रवाना हुआ है। डूंगरपुर जिले के पूंजपुर में पीईओ ने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संस्था प्रधानों की बैठक ली, बैठक में सितंबर माह में खुलने वाले विद्यालयों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। डूंगरपुर जिले के दम्बोला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मनरेगा श्रमिकों को विधिक रूप से जागरूक किया गया है। डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सीओ अंजलि राजौरिया गंधवा पंचायत के दौरे पर रही, इस दौरान सीओ ने विवाह की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी है। सिवाना क्षेत्र के समदड़ी कस्बे में चोरों ने घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर ली, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह चौहटन क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डूंगरपुरी मठ पहुंचकर संत जालमपुरी के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने हेमाराम चौधरी के छोटे भाई जैसाराम के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। गुड़ामालानी क्षेत्र के शिक्षक जगदीश प्रसाद विस्मोई को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लो वोल्टेज की समस्या को लेकर राणेरी जीएसएस का किसानों और ग्रामीणों ने घेराव किया है। ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन गांव के संग अभियान के कार्य बहिष्कार की चेतावनी, विधायक गोविंद राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा गया है। ट्रक और एम्बुलेंस की भिड़ंत, एम्बुलेंस चालक की हुई दर्दनाक मौत। राष्ट्रीय स्तर की टग ऑफ वॉर खेल प्रतियोगिता का आरएनटी स्कूल में शुभारंभ, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। पीलीबंगा में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की फैक्ट्री में छापा मारा, 2000 लीटर देसी मदिरा बरामद, आरोपी गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जंक्शन के जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर श्रमिक संघ ने 29 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। हनुमानगढ़ में रावतसर और नोरंग देसर वितरिका में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग को ज्ञापन सौंपा है। टिब्बी में संयुक्त किसान मोर्चा की ट्रैक्टर रैली आयोजित, किसान कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं। कोटपुतली में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पुतली में सर्विस लेन के पास खाली खेत में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। कोटपुतली के ग्राम पंचायत बनेठी के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या से परेशान होकर मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना प्लस दो स्तर के तहत बाका चौराहा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। चौमू जुबनेर चौराहे पर एक ट्रैक्टर और मैक्स जीप की भिड़ंत हो गई, हादसे में दोनों वाहन चालकों को मामूली चोट आई है। जमर रामगढ़ के भानपुरा कला में दर्जनों गांव में विधायक गोपाल मीणा ने पंचायती राज चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया, जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने जयसिंहपुरा में पंचायत समिति चाकसू के वार्ड नंबर 8 से बीजेपी प्रत्याशी सरोज गुर्जर के प्रधान कार्यालय का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया है। चाकसू में पंचायती राज चुनाव में भयमुक्त मतदान को लेकर थानाधिकारी हीरालाल सैनी के नेतृत्व में प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। शाहपुरा में आबकारी पुलिस ने मनोहरपुर टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से विदेशी शराब की 47 बोतल बरामद की है, इसके साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, सीएससी को आदर्श सीएससी बनाए जाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सैनीनगर स्थित रघुवीर जी महाराज गेस्ट हाउस में चैलासी ग्रामीण मंडल की बैठक संपन्न हुई है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। हनुमानपुरा में निगम कार्मिकों ने स्मृति स्थल पर श्रमदान किया, इस दौरान ध्वजारोहण करने के बाद शहीद की प्रतिमा का माल्यार्पण किया है। तेजादशमी पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के धाम निया से बानोड़ा बालाजी तक जा रहे पैदल जत्थे का बेगूनगर में स्वागत किया गया। बस्ती थाने में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक ली गई है। जिला न्यायाधीश केशव कौशिक ने एसजीएम न्यायालय का निरीक्षण कर परिसर में कल्प वृक्ष के पौधे रोपे। रावतभाटा के चारभुजा में एक घर में निकला 5 फीट लंबा कोबरा, वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम की टीपू और आमिर ने सांप का रेस्क्यू किया। बलाना डूंगर पंचायत समिति के लिए आगामी 29 अगस्त को पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रशासन ने किस अति संवेदनशील बूथ बनाए हैं। खंडार उपखंड मुख्यालय क्षेत्र में इन दिनों पंचायत समिति चुनाव को लेकर प्रत्याशी और लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खंडार मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा नगर अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक चाय की दुकान को निशाना बनाकर 3,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति में बने ढील बांध का निरीक्षण एसडीएम ने किया।
स्कूल खोलने से पूर्व कोरोना महामारी से सुरक्षा की तैयारी को लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य रमेश पालीवाल की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में किसानों ने रामगढ़ से अलवर वाहन रैली निकाली। रमेश वर्मा को ऑल राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय फेडरेशन इंटर का जिला अध्यक्ष और राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खैरथल कस्बे के मेन मार्केट का रेलवे फाटक 93 नंबर 2 दिन से बंद रहा। ढोंडाकरी में हाईटेंशन लाइन पर कार्य करते वक्त हुई मौत, ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लाखेरी में एसडीएम ने बाइक से कस्बे के सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। लाखेरी कस्बे के हाईवे के पास रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बूंदी के ग्राम अमरपुरा में 15 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा सामान्य चिकित्सालय के डॉक्टर डीडी मीणा के खिलाफ जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है। दोलाड़ा रेलवे फाटक पर युवक ने लड़की द्वारा शादी से मना करने के बाद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। टोडा भीम के त्रिशूल की ढाणी में बुधवार देर रात्रि को जंगली जानवर ने एक युवक पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। टोडा भीम कस्बे के वार्ड 20 बड़ापुरा में 2 दिवसीय पतंग प्रतियोगिता के समापन पर पंच पटेलों ने कोटड़ी पालमपुर पार्टी के सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया। नेहरू युवा केंद्र के निर्देशानुसार 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव के फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम के तहत महू दलालपुरा में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हिंडौन के वार्ड 51 के पार्षद दिनेश चंद्र सैनी के द्वारा हिंडौन नगर परिषद की ओर से उपलब्ध कराए गए जन औषधि पौधों का वितरण किया गया है। इंदौर के खेड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महाराजा सूरजमल सेना के द्वारा पौधारोपण किया गया। विद्यालय परिसर में विभिन्न किस्म के पौधे लगाए गए। बपावर कस्बे में घनी आबादी क्षेत्र से निकल रहे वाहन चालक मनमाने तरीके से वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे आए दिन परेशानी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। सांगोद पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया है। कुंदनपुर में कालीसिंह नदी पर बनी बरसों पुरानी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, आमजन को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। मोहनगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत हड्डा में प्रधान आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आवा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय निर्देशानुसार सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांगोद में गत दिनों उजाड़ नदी में आई बाढ़ से नदी किनारे बनी सुरक्षा दीवार और बिजली के पोल उखड़ गए हैं। टोलकर्मियों की दादागिरी से ग्रामीण परेशान हो गए हैं। टोलकर्मियों ने जेसीबी से गहरी खाई खोदकर किया कच्चा रास्ता बंद। मोहनगढ़ पंचायत समिति के नए विकास अधिकारी का जोरदार स्वागत किया गया। मोहनगढ़ समिति के एक एमडी में आम रास्ता बंद कर दिया गया। बंद रास्ते के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की मांग की है। पोखरण में पिकअप गाड़ी पलटने से 2 लोग घायल हो गए हैं। फतेहगढ़ में 27 वर्षीय विवाहिता के साथ दुष्कर्म, पुलिस मामले की जांच में जुटी। डिस्कॉम राजस्व वसूली शिविर का आयोजन किया गया है। सहायक अभियंता कैलाश चौधरी का डिस्कॉम कार्यालय में स्थानांतरण हुआ है। ब्रह्मकुमारी राज्यों केंद्र फालाना की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत नगरपालिका परिसर और अंत में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी गई। फालना सहित पूरे क्षेत्र में कचली तीज का पर्व श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया गया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला कार्यकारिणी में महामंत्री के पद पर सुजयराम जड़वा चौधरी को नियुक्त होने पर बाली विधायक ने स्वागत कर बधाई दी। बाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रतन जड़वा और बाली नगर पालिका के पार्षद कानाराम चौधरी का चंपालाल मुंबई अध्यक्ष ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया है। जालौर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर नर्मदा विश्नोई की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ है। जालौर जिला जल और स्वच्छता समिति की बैठक का आज जिला कलेक्टर नर्मदा विश्नोई की अध्यक्षता में आयोजन हुआ है। जालौर जिले में पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। एसपी श्याम सिंह के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जालौर जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक 31 अगस्त को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजन होगा। भीड़भाड़ इलाके में साइड नहीं देने की बात को लेकर कार चालक पर बाइक पर सवार 2 युवकों ने देर शाम चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। रावत मित्र मंडल ग्रुप में ब्लड बैंक खुलवाने की मांग को लेकर विधायक सुदर्शन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने नदास कागुड़ा पंचायत में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। पिपलाज मासिक इंटर मैराथन दौड़ का प्रथम कबड्डी प्रतियोगिता का सरपंच सुरेश भाट के मुख्य अतिथि में आयोजन हुआ है। उपवन अधिकारी उमेश सिंह राजावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीम का औचक निरीक्षण किया। चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार एक गर्भवती महिला सहित 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सायरा क्षेत्र के पालच गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के साथ मारपीट को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली गोगुंदा बाईपास चौराहे पर प्रताप प्रतिमा के समीप मुख्य मार्ग पर बह रहे गंदे पानी से बाहर लोग काफी परेशान हैं। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी सिरोही से राजसमंद जाते समय गोगुंदा में उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। टोडा रायसिंह बिसलपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों में 4 वार्ड पंच चुनाव को लेकर बीएलओ की मीटिंग संपन्न हुई है। थड़ोली ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों ने उपखंड अधिकारी को शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दिवाई में मनरेगा के तहत पशु आश्रय कार्य पूरा करवाने के बाद भी संवेदक द्वारा भुगतान नहीं करने पर लाभार्थी ने विकास अधिकारी डॉक्टर सरोज बंसर को ज्ञापन सौंपा है। दिवाई शहर की चौधरी कॉलोनी में कीचड़ और गंदगी के जमावड़े से आमजन परेशान है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। झालावाड़ जिले में कई पड़ावा में इंदिरा रसोई में किसी बात को लेकर 2 शराबी आपस में भिड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कर पाया। झालावाड़ जिले के बरखेड़ी में भजन संध्या का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सालरी में कोविड टीकाकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 184 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। झालावाड़ जिले के सुनील में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन और महिला कांग्रेस झालावाड़ की कार्यकारिणी विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। झालावाड़ जिले के दुबलिया के किसानों ने अनियमित वर्षा से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर मांग की है। सरपंच ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सिरोही जिले के आबूरोड में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रथम चरण में शांतिपूर्ण मतदान हुए हैं। सिरोही जिले के निचलागढ़ में पर्यवेक्षक और एसडीएम अभिषेक सुराणा नर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। सिरोही जिले के ओरिया पंचायत में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया है। पंचायत समिति के वार्ड संख्या 18 के उम्मीदवार प्रमिला देवी का कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी ने किया। पाली सांसद पीपी चौधरी ने दर्जनों गांव में बीजेपी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और कार्यालय का उद्घाटन किया। बिलाड़ा पंचायत समिति के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र कंवर के समर्थन में कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। दीवाड़ के पंचायत राज चुनाव में चुनावी सभा में रात में कांग्रेस प्रत्याशी के शराब वितरण करने का वीडियो वायरल, लोगों ने पुलिस को दी जानकारी।
पिपार पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में वार्ड संख्या 15 के कांग्रेस प्रत्याशी ममता मेघवाल घर घर जाकर समर्थन की अपील कर रही है। पिपार के कोसाना गांव में बना विद्यालय जर्जर अवस्था में पड़ा है। विद्यालय पर शाम को शराबियों का जमावड़ा रहता है। तिलवासनी गांव में पंचायत राज चुनाव में बीजेपी के समर्थन में प्रतापपुरी महाराज तिलवासनी गांव पहुंचे। पड़ासला कला गांव में युवकों ने गांव को हरा भरा बनाए रखने के लिए जगह जगह पौधारोपण का पर्यावरण का संदेश दे रहे। चलिए अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, बेटियां हर क्षेत्र में परचम लहरा रही है। लेकिन छोटे शहरों की बेटियां अगर बैट और बल्ला लेकर मैदान में अपना हुनर आजमाने लगती है तो फक्र होता है। डूंगरपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर आई है जहां बेटियां क्रिकेट के क्षेत्र में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। बेटियां कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान हो। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय खेलों तक आपने बेटियों की प्रतिभा देखी, लेकिन छोटे शहरों की बेटियां जब मैदान पर इस तरह बल्ले चलाती हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैदान पर बल्ले और गेंद से हुनर आजमाती ये बेटियां डूंगरपुर जिले की आन बान और शान हैं। डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ की अभिनव प्रयास के चलते पहली बार बेटियां क्रिकेट की विधा को सीख रही हैं। अभी तक जिला क्रिकेट संघ विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए पुरुष टीम ही तैयार करता आया है, लेकिन इस बार जिला क्रिकेट संघ क्रिकेट में रुचि रखने वाली बेटियों को भी क्रिकेट के गुण सिखा रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सितंबर माह में भीलवाड़ा में होने वाली वुमेन अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला क्रिकेट संघ बेटियों की एक क्रिकेट टीम तैयार की है। क्रिकेट टीम तैयार करने के बाद शहर के लक्ष्मण मैदान में बेटियों को क्रिकेट का अभ्यास करवाया जा रहा है। देखिए बेटियां भी बड़ी लगन से अभ्यास करते हुए अपना पसीना बहा रही है। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।